नमस्कार दिन गोटाएर अपडेट खबर सह आपन को स्वागत करुछु एवं शक्ति बुलेटिन को आगे बढ़ा कि प्रथम देखनेवा कौन रही हेडलाइंस चाषी को मिला पीएम किसान नवम किस्ती अन्नदाता आकाउंट को गला 19,500 कोटी टंका लाभ पाइले 9,75,00,000 परिवार टंका ट्रांसफर पर चाषी कथा होती प्रधानमंत्री कटकु 1 कोटी अधिक टंकार ब्राउन सुगार जबत धलाझर कारबार रे 6 गिरफ सिल्वर सिटी दई पुरी और जगत सिंहपुर को हेउछि चालान सीपी कहले ट्विन सिटी को ड्रग्स मुक्त करिबा को अभियान आंदोलन रे 4,000 छटई कंप्यूटर शिक्षक आज अहोरात्र आवरण अनशन ओसेपा ऑफिस आगे शिक्षकों धारणा दावी पूरण नहले सामूहिक आत्माहुति चेतावनी चारिमास पर हजार तलक खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 886 पजिट खोर्धार 253 कटकु 81 आक्रांत सेपटे पुणी 66 जीवन नेला भाइरस केरलें विकास और स्वास्थ्य सेवार खोलला मुखार रास्ता नथिबारु आसी पारिलानी आंबुलांस 2 किलोमीटर दोलारे बुहा हेले गर्भवती विपद संकुल अवस्था पार हेले रामियाला नदी कूल ही करिले प्रसव जशपुर मनरेगा घोटेला अनियमितता अभियोग 3 अधिकारी निलंबित विजारपुर जरी पंचायत केलेंकारी खबर प्रसारण पर कार्यानुष्ठान एवं प्रश्न ये 3 अधिकारी किए अच्छा सामिल जातिसंघ सुरक्षा परिषद ओपन डिबेट अध्यक्षता करेंगे मोदी एभली करिवारे प्रथम भारतीय पीएम समुद्र सुरक्षा को नहीं आलोचना सामिल हेबे रुषिया राष्ट्रपति और इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में। हाँ जी सर, कितना फर्क आया होगा? कितना फर्क आया होगा? पहले मानो 100 रुपया मिलता था तो अभी कितना मिलता होगा? ये सर, पहले मानो अगर 100 रुपये मिलता था तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना है इसी भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमको मूल्य में जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इसे निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे काफी हमको राहत मिली है। उपाध्याय जी, मुझे बताया गया कि आप लोग भी अपने जिले में बने आइस एंड चिलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो सुविधा मिली है इसके कारण भी आपकी फसलों को काफी फायदा होता होगा? सर, इससे ये है कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय जो मूल्य अगर होता है कम होता है तो हम उसका उपयोग इस योजना के तहत तो उसमें रख देते हैं, और जैसे ही मूल्य बढ़ता है हम देखते हैं मार्केट में मूल्य अच्छा है तो हम इसको निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे हमें काफी लाभ है, पहले हमको तुरंत बेचना पड़ता था। देखिए श्यामा जी, आपने खुद बताया कि जब हमारे किसान एक एफपीओ बनाकर उपज बेचते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ता है, इसी तरह जिले में एक आइस एंड चिलिंग प्लांट बनने में भी कितना बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे ही इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे आप सब ने कासगंज में इसको बनाया भी है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हमारे जिला में ये योजना हमको मिली है।
आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत चलिए, मेरी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब किसान बहुत प्रगति करें। धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नेशनल सैफरन मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर स्थित केसर पार्क के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के पंपौर जिले के श्री अब्दुल मजीद वानी को आमंत्रित करूंगा, जो सैफरन पार्क की योजना के लाभार्थी हैं। श्री अब्दुल जी। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए, खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरन ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरन था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरन मिशन मिला है, उससे तो दो फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव मिल गए उसके साथ साथ, जो उसने नया तरीका लगाया अपनी खेत में उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया। तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत सैफरन जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया इसका। अब्दुल जी आपकी जमीन कितनी है? है सर जमीन बहुत, लेकिन सर 30-40 कनाल में हमारी सैफरन ही है सर, सिर्फ सैफरन ही है सर। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या कम मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई आपकी वसादत से, हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मसलन 2,25,000 भी, 2,30,000 रुपए भी हो जाता है यहाँ पर। जो ये ऑक्शन हुई है हमारी सैफरन की, हर एक फार्मर की जितने भी यहाँ उसे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत सर दूसरा जो GI टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी सैफरन की, ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। मजे जी बिल्कुल बताया कि आपकी उपज में करीब करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और आप 1 हेक्टर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग लगा अब बराबर आ रहा है। मेरी आप सब केसर के किसानों को मेहनत की सर, गवर्नमेंट ने भी किया था, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, तभी हम कामयाब हो गए इस बार। चलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, हम सब मिलकर के करेंगे और फिर से एक बार दुनिया में भारत के केसर का रंग और सुगंध दोनों पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक जनाब, मुबारक 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 साहब जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बागवानी योजना के तहत उत्तराखंड स्थित एक लाभार्थी किसान से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। हमें उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के श्री सुशांत उनियाल जी को आमंत्रित करूंगा, जो ढींगरी मशरूम उगाते हैं। श्री सुशांत जी। सुशांत जी नमस्ते। सर नमस्कार। सुशांत जी, मुझे बताया गया कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी आप काम करते थे और ये सब छोड़ छाड़ करके आप फिर पहाड़ों में चले गए और खेती करने का विचार आपको आया, ये कैसे हुआ? सर इसका सबसे बड़ा कारण तो एक आप ही रहे हैं सर। आप पिछली बार जब उत्तराखंड आए थे तो आपने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती सर,
तो सर वो चीज थी कि हम लोग पढ़ इसी माटी से जुड़े हुए हैं, पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, और हम लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर बाहर शहरों में चले जाते हैं, लेकिन आज जो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है वो है सर पलायन की। सो पलायन की समस्या थी, लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जा रहे थे, तो वही देखते हुए फिर वापस आए कि अगर युवा वापस पहाड़ों की तरफ आएगा तो सब लोग वापस आना शुरू करेंगे, और फिर वो जो पुराने लोगों ने मकान छोड़े हुए थे, खंडर मकान थे, उस पे प्रयोग के तौर पर सर मशरूम फार्मिंग शुरू की, और जब पहले साल 30-40 हजार रुपए की आमदनी हो गई तो उससे उसके बाद ये दिमाग में आया कि अब व्यावसायिक तौर पर इसका। तो आप शुणुले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जे कि पीएम किसान योजनार जो मैंने रही लाभार्थी से सहित सीधा सड़क कथा होते आज नवम किस्ती टंका आज रिलीज करा जाई एवं जो माने किसान कृषक रही सारा देश में से सहित सीधा सड़क वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया कथा होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भलमंद से कृषि संपर्क में पचारि बुझुं जीवा। एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसुच्छी कटकू। कटक अबकारी निर्देशालय कार्यालय आगे धरण से बसिले कटक बारवाटी विधायक मोहम्मद मोकिम। सहरर विभिन्न धर्मानुष्ठान निकटे खोली मद दोकान को विरोध करिछन्ति मोकिम। कटक अबकारी निर्देशालय सामने कांग्रेस कर्मी होहल्ला करिछन्ति। पुलिस सह धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होइछि। आम आपको घटनास्थल को नहीं जाऊँ। कटक अबकारी निर्देशालय सम्मुखर आम सहित जोड़ी होइछन्ति आम प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान, जो भाई भाव में विधायक धारण में बसिले कौन परिस्थिति सेठी है? जो कथ आसुच्छे कांग्रेस कर्मी होहल्ला करिछन्ति, पुलिस धस्ताधस्ती होइछि, काहेकि एभली परिस्थिति सृष्टि होला? देखो शक्ति से कटक सहर विभिन्न धर्मानुष्ठान कथा कहतु, शिक्षानुष्ठान कथा कहतु, विभिन्न जगह गड़ी कंदी में छक छक मद दुकान खोल जाऊँगी, जहाँ को तीव्र विरोध करती कटक नगर कांग्रेस और कटक बाराबटी विधायक मोहम्मद मुकिम नेतृत्व में। कांग्रेस अधिक कर्मी नेता समस्त आसिक अबकारी निर्देशालय कार्यालय सम्मुखर धारणा बस बर्तमान दृश्य देखे सीधा सड़क दृश्य आप देखिपे जे कि समय पूर्व पूरापूरी भाव में स्थिति एटी पूरा तीव्र हो उठा और कांग्रेस जो दाबी थी जे कटक सहर गड़िकंदी और धर्मानुष्ठान पाखे जो मद दुकान खोल जाए संपूर्ण भाव में बंद कराऊ, जहाँ को लेकिन कटक बाराबटी विधायक मोहम्मद मुकिम नेतृत्व में एक टीम आसिक जो रही अबकारी कमिशनर तक भेटापी मतलब से टीम आसाला, जेहतु तक जो 10 जनिया प्रतिनिधि दल को सी भेटापी अनुमति देवाई से बारंबार कहला, कितु से कार्यालय भितर को छड़गला ना, जार प्रतिवाद से अबकारी निर्देशालय गेट सम्मुखें धारण में बसंती पाखापाखि 1.5 घंटा होती धारण में बसंती। एटी पुलिस फोर्स मुतयन कर दी जाए, कांग्रेस कर्मी नेता समस्त ये उपस्थित होती सीधा दृश्य बर्तमान देखी पड़ते, जेहतु तक दाबी रोची जो सहर गड़िकंदी छक पाखे जो मद दोकान खोजे बंद कराऊ। आहरी गोटे कथा कहुचे, जेहेतु राज्य सरकार अहिंसा शब्द को संविधान मुखबंध सामिल करने दाबी करते, अंपटे मद को प्रोत्साहन देखते, जहाँ को कांग्रेस बर्तमान तीव्र विरोध कर विभिन्न घर हिंसा बढ़ुचे, यहाँ समाज नष्ट हो तो विभिन्न प्रकार जो दाबी कर कांग्रेस पक्ष सीधा सख्त दृश्य देखी पड़ते हैं। कांग्रेस गोटे दाबी रही है कमिशनर निजे आसतु, जे एक्साइज कमिशनर अबकारी कमिशनर आसिकी से सीधा सख्त आलोचना करूँ और जो दाबी कांग्रेस रही पूरण करते, जेहतु कमिशनर पर्यटन आसी ना, डेप्युटी कमिशनर अन्य अधिकारी आसोसी मात्र से जो रही दाबी पूरण होना, जहाँद्वारा बर्तमान भी दृश्य देखी पड़े एवं भी विधायक मोहम्मद मुकिम धरण में बस नेत्री कर्मी समस्त अच्छा सीधा सड़क जावा प्रतिक्रिया ना पाखापाखि 1.5 घंटा जाना धरण में बस कहीं एक्साइज कमिशनर आसती दाबी जो रही आपर मुख्य मुख्य दाबी सब रही देखो एते मात्रा रे से माने मदमाफिया कबल रे पसी जाइछि सरकार मु कहिबा ये हम नहीं जे वर्तमान हरड़ घणा रे पड़छंती जे मदमाफिया के जोगु जो सरकार चलीछि से ता भितर भारिया को कष्ट होउछि एवं जणे रेस्पोंसिबल आईएएस ऑफिसर लोकप्रतिनिधि बाहर अपेक्षा करथिबा समय रे दीर्घ 3 घंटा ऊर्ध समय धरी आराम से बसछंती। कांग्रेस आज राजस्ता गोल कटक सहर रे लोकों समस्या को लेकिन ये एक निर्णायक लड़ई हे मदपाई कटक सहर रे एवं ए लड़ईर कांग्रेस दल नेतृत्व नब साधारण जनसाधारण चाहूंट तेणु आम एटी धारणा रे बसिलु जिते पर्यंत से मद दुकान न उठी कमिशनर न आसर किसी निष्पत्ति न नहीं अधिकारी आलोचना करते फलाफल भारे भावुंत आगामी समय फलाफल किसी ना जड़े सरकारी अफिसर एत आडामेंट कौन पाई लोक मैंने आलोचना करने देखा करने भयभीत कहीं होती
ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ? ବାରମ୍ବାର ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରୁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଟକ ସହରରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପିବ ଏବଂ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆପ୍ରାୟିତ ହୋଇ ଦୋକାନ ପରେ ଦୋକାନର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ସାମିଲ କରିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଛି, ଏ ନୀତିକୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ନିଜକୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖପତ୍ରରେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ସରକାର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଗୁଜୁରାଟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠି ସରକାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସରକାର ଦୋମୁହା ନୀତି, ଇଆଡ଼େ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସାକୁ ଆପଣାଉଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆପଣାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଦ ଦୋକାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଖରେ ଖୋଲି ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଲାହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନଙ୍କ ଇଏ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସି ଆଲୋଚନା ନ କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବକାରୀ କମିଶନ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ଦାବିକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ପାଇଁ ଏଠି ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ, ନେତା, କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଠି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ କଟକ ସହର ଖାସ କରିକି ଗଳିକନ୍ଦି ଛକ ଛକରେ ସମାଜ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କଟକ ସହରରୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବ ବୋଲି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କର, ଅବକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେ କଟକ ସହର ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତା ନିକଟରୁ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ମଦ କାରବାର ନାଁରେ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁଖବନ୍ଧ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରେମୁଲ ସେଠି ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି କଟକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। କଟକରୁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ, ଧଳାଝର କାରବାର କରୁଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଲାଲବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ। କଟକରୁ 1 କେଜି 169 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଜଗତସିଂହପୁରର, ଜଣେ ପୁରୀ ଓ ଜଣେ କଟକର ରହିଛନ୍ତି। ଗତ 5 ମାସରେ 4 କେଜି 280 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ସେହିପରି ସିଲଭର ସିଟି ଦେଇ ଧଳାଝର, ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିପି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲାଲବାଗ ଥାନାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଚଢ଼ଉ କରି ସେମାନେ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 1 କେଜି 169 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ପୋଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ କାମକୁ
आमर एसीपी स्पेशल स्क्वाड अजय दास प्रत्यक्ष तत्वावधान रे करा जाई थिला एवं आमे छह जन व्यक्ति को एथिरे गिरफ करितले। अबे आपण को पुणी थरे देखिया को चाहिबो जे प्रधानमंत्री किसान योजना रे जुमळी भाबरे आज लाभार्थी को नवम किस्त रिलीज करा जाय छे। प्रधानमंत्री चासी मानक सहित सीधा सळ कथा होचुंती। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। भाइयों और बहनों, सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन हनी बी ऐसा ही एक अभियान है। मिशन हनी बी के चलते बीते साल हमने लगभग 700 करोड़ रुपए के शहद का एक्सपोर्ट किया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हुई है। जम्मू कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड़ की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। भाई और बहनों, आप सभी से ये संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। भाई और बहनों, इस दौर में बहुत तेजी से हो रहे बदलावों को हम सभी साक्षी हैं। चाहे मौसम और प्रकृति से जुड़े बदलाव हो, खान पान से जुड़े बदलाव हो, या फिर महामारी के कारण पूरी दुनिया में हो रहे बदलाव हो, हमने बीते 1.5 वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है। इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरूकता आई है। मोटे अनाज की, सब्जियों और फलों की, मसालों की, ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय कृषि, उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। साथियों, इस महामारी के दौरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है।
रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। सरकार ने खेती और इससे जुड़े हर सेक्टर को बीज खाद से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। लेकिन साथियों, हमने देखा है कि सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी में ही आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, बल्कि दाल और तेल में भी आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। और भारत के किसान ये करके दिखा सकते हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी, तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। मेरे उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं धान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है। ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। भाई और बहनों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं, उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। साथियों, आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है, पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें भी आयातित ऑयल पाम ऑयल का हिस्सा 55% से अधिक है। इस स्थिति को हमें बदलना है। खाने का तेल खरीदने के लिए हमें जो हजारों करोड़ रुपए विदेश में दूसरों को देना पड़ता है, वो देश के किसानों को ही मिलना चाहिए। भारत में पाम ऑयल खेती के लिए हर जरूरी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। साथियों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के इस मिशन के अनेक लाभ है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बल देगा। विशेष रूप से फ्रेश फ्रूट बंच प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार होगा। जिन राज्यों में पाम ऑयल की खेती होगी, वहां ट्रांसपोर्ट से लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में युवाओं को अनेक रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, ऑयल पाम की खेती का बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को मिलेगा। ऑयल पाम का प्रति हेक्टर उत्पादन बाकी तिलहन फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, यानी ऑयल पाम मिशन से बहुत छोटे से हिस्से में ज्यादा फसल लेकर छोटे किसान बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, ये आप भली भांति जानते हैं कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है।